थाना किसनी क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़ित महिला ने उसकी जमीन पर किए जा रहे कब्जे की शिकायत जिला अधिकारी से की है और उसकी जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है। जिला अधिकारी कार्यालय पर मौजूद यही वह पीड़ित महिला है जिसका नाम गुड्डी देवी, पत्नी नीरज, निवासी खेतापुर थाना किसनी है। पीड़ित महिला ने जिला अधिकारी कार्यालय पर एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें बताया है कि पीड़ित महिला ने एक खाली प्लॉट राजन सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी मैनपुरी शहर हाल निवासी से खरीदा था जिस पर पीड़ित निर्माण कार्य करना चाहती है, लेकिन राजेंद्र का भाई राजेश पुत्र विजय बहादुर उसकी पत्नी मुन्नी देवी निर्माण कार्य करने से रोक रहे हैं और बता रहे हैं कि पीड़ित फर्जी बैनामा कराकर निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पीड़ित महिला ने यह भी बताया है कि उसने अपने सारे दस्तावेज अधिकारियों के समक्ष रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दबंग राजेश उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। पीड़ित महिला ने जिला मुख्यालय पहुंचकर क्या कुछ बताया, यह जरा आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। आज आप एसपी कार्यालय आई हैं, किस समस्या को लेकर आई हैं? जमीन की समस्या है। क्या हुआ जमीन का? जमीन मैंने 1.5 लाख खरीदी थी तो वो लोग मतलब कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। कौन लोग हैं जो कब्जा नहीं करने दे रहे? वो मेरे मतलब लगते हैं भाई, मतलब फूफा लगते हैं, बुआ लगती है। नाम बताओ। संजय सिंह देवी है और मुझे मतलब मारने को दौड़ते हैं, गाड़ी गलोच करते हैं। मेरे आदमी है नहीं है, मेरे आदमी वहाँ पे है मतलब खाटू सामने है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। किस जगह की घटना है ये? कैतपुर की है। आपने थाने पे कंप्लेंट, थाना कौन सा पड़ता है आपका? किसनी। तो आपने थाने पे कंप्लेंट की? नहीं की। थाने पे शिकायत करनी चाहिए थी आपको। चलिए ठीक है।